ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा कोई स्कीम मैंने सुना भी नहीं। खैर, पहले तो प्राइम मिनिस्टर पकोड़े की बात करते थे, वो पकोड़ा इस वक्त नहीं आया। क्या स्कीम है कि इसमें जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेंड होने के बाद उन लोगों को कहीं ना कहीं नौकरी दिया जाएगा। आज हमारा 7 लोगों का डेलीगेशन राष्ट्रपति जी से मिले और हमने 2 मेमोरेंडम उनको पेश किया। एक इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में जो अग्निपथ की योजना है और वो किस तरीके से गलत तरीके से बनाया गया है और जिसका फायदा किसी युवक को भी होने वाला नहीं, देश को भी होने वाला नहीं और डिफेंस के लिए भी कोई उसकी यानी फायदा नहीं है, तो इसके बारे में हमने एक मेमोरेंडम पेश किया। और दूसरा जो 13, 14, 15 3 दिन जो लगातार हमारे पीसफुल सत्याग्रह था, जो कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, गांधी जी के मार्ग पर हमने सत्याग्रह करके हमारे नेता को जो ईडी में एक फॉल्स केस में इन्वॉल्व करके उनको यहाँ पर ले जाया गया और इंट्रोगेशन वो भी रात के 11 तक 12 तक 5-5 घंटे और अब 3 दिन, आज फिर 4th दिन, ये जो हरासमेंट की नीति चल रही है और कांग्रेस पार्टी को जो कुचलने की नीति चल रही है और हमको डराने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आंदोलन, पीसफुल आंदोलन किया जिसमें हमारे सभी सीनियर लीडर थे और जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स भी थे, सीनियर लीडर अशोक गहलोत जी, बगैया साहब और चिदंबरम साहब थे, अधीर रंजन चौधरी साहब और वेणुगोपाल जी और जयराम रमेश, ऐसे सभी नेता लोग थे। मैं अब सबका नाम लेने में वक्त नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी लोग उस सत्याग्रह में शामिल थे, लेकिन उनको सताया गया। उनको 12-12 घंटे तक हमारे नेताओं को 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर यूपी बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे अलग अलग जगह के रख कर कानून के खिलाफ, और कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है किसी व्यक्ति को बगैर आप उसके ऊपर केस करें या बगैर कोई नोटिस दिए उसको 12 घंटे 14 घंटे आप डिटेन नहीं कर सकते। अगर किसी को डिटेन करना है तो उसका कारण भी देना चाहिए, और 1 घंटे 2 घंटे में स्पीकर को इत्तला देना अगर पार्लियामेंट के मेंबर है, लोकसभा के चेयरमैन है वेंकैया नायडू जी, अगर राज्यसभा के मेंबर को आप डिटेन करते हैं, अरेस्ट करते हैं तो इत्तला है। ये कुछ नहीं हुआ, तो हमारे एक तरफ हकूक का हनन हुआ है और दूसरी तरफ आप जो आर्म्ड फोर्सेस में युवकों को कम से कम 46,000 लोगों को उन्होंने एक ट्रेनिंग देने का जो वायदा किया वो भी उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, उन युवकों को कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं है, 4 साल में कोई परफेक्ट ट्रेनिंग भी नहीं होगा और 4 साल के अंदर वो घर को भी आएगा तो उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगा। और वो मेरे को कभी कभी मुझे हंसी आती है क्योंकि मैं भी ये पार्लियामेंट्री जीवन में MLA MP इसमें 51 साल गुजार रहा हूँ, ये 51 ईयर्स चल रहा है मेरा, ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा कोई स्कीम मैंने सुना भी नहीं। क्या स्कीम है कि इसमें जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेंड होने के बाद उन लोगों को कहीं ना कहीं नौकरी दिया जाएगा। कोई BJP का नेता कहता है कि चौकीदार की नौकरी मेरे दफ्तर में मिलेगी, कोई ऑफिस में, दफ्तर वही ऑफिस में मिलेगा, कोई कहता है, खैर पहले तो प्राइम मिनिस्टर पकोड़े की बात करते थे,
वो पकोड़ा इस वक्त नहीं आया, तो कई बार बार का बोलते हैं, किसी और चीज़ का कहते हैं। तो इसीलिए हम ये सब चीज़ें, इससे लोग भी हंस रहे हैं, युवा तो आप तो देख रहे हैं कि बिहार है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान, हर जगह युवक रास्ते पे उतरे, इसीलिए उनका भविष्य जुड़ा हुआ ये मामला है। और बगैर किसी को पूछे सरकार ये योजना लाई है, हम ये चाहते हैं और हम प्रेसिडेंट से भी विनंती की है कि इसका डिस्कशन नहीं हुआ, ये डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी में भी नहीं आया, स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं आया, तो आप इसको अच्छी तरह से देखे नहीं और इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे युवाओं को हो रहा है। सदन में लाए, हाँ सदन में, कई सदन में भी नहीं लाए, तो ये हमारे चीज़ें उनके सामने रखे। और उसी के साथ साथ जो हमारे हकूक हनन हुआ है, जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमको जो कुछ भी हक मिलते हैं सुरक्षा, वो सभी का आज उन्होंने हनन किया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक्शन हो। हमारे प्रिविलेज का भी वहाँ पर प्रिविलेज कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके उसको जल्दी से जल्दी, जो पुलिस, दिल्ली पुलिस हो या कोई पुलिस, जिन्होंने ये सब कुछ किया, हमारे एमपीज़ को मारा, हमारे लेडी एमपीज़ को उन्होंने मारकर अभी हॉस्पिटल में है, तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति ये सब अपने नोटिस में संज्ञान में लेकर वो सरकार को बताए कि ये योजना ठीक नहीं है और जो भी एट्रोसिटीज हमारे लोगों के ऊपर किए गए हैं उन पुलिस के ऊपर भी एक्शन ले, ये हमने कह के आए हैं।